डायरेक्शंस, एवरी मैप हैज़ नॉर्थ डायरेक्शंस ऑन इट्स टॉप. सब मैप की टॉप डायरेक्शंस आपके पास होती है नॉर्थ, विच इंडिकेट्स द अदर डायरेक्शन. इसके बाद आपको बाकी डायरेक्शंस पता चल जाती है. नॉर्थ टॉप पे है, ठीक है, आपको पहले भी पता है, ये आपके पास डायरेक्शंस होती हैं. नॉर्थ टॉप पे है, वेस्ट, ईस्ट एंड साउथ. टाइटल, ईच मैप हैज़ अ टाइटल. हर मैप का एक अपना टाइटल होता है. द टाइटल ऑफ अ मैप इंडिकेट्स व्हाट अ मैप इज शोन. वो आपको निशानदही करता है कि आपका जो मैप है वो किससे रिलेटेड है. स्केल, मैप स्केल इज अ रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड डिस्टेंस ऑन द मैप. स्केल से आपको ये पता चल जाता है कि आपका फासला कितना है, एक जगह से दूसरी जगह का फासला कितना है. दिस रेशियो इज नॉन एज स्केल. फॉर एग्जाम्पल, 1:1 लाख मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू द 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड एंड 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 km. इट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. यहाँ पे आपको ये आपके पास, इसको आपको बाद में रीड आउट कराती हूँ, पहले आप अगली भी पढ़ लेते हैं. एनिमेट्स, सिंबल्स, द फिजिकल एंड द कल्चरल फीचर्स ऑफ द अर्थ आर शोन ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स. फिर आप मैप के अंदर कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं जहाँ से आपको सकाफत के बारे में पता चल जाता है, हर सूबे की सकाफत के बारे में, और कुछ ऐसे सिंबल जिसके लिए आपको मैप को समझना आसान हो जाए. दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स. यहाँ से आपको रस्म व रिवाज के सिंबल्स भी यूज़ होते हैं. कॉमन कन्वेंशनल सिंबल्स आर रेलवे स्टेशन, जैसे कि कुछ रेलवे स्टेशन का सिंबल, रेलवे लाइन्स का, ब्रिजेस, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा. की द डिफरेंट सिंबल्स यूज इन द मैप आर शोन इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट ऑन द मैप. फिर आपको मैप के शुरू में कुछ कीज़ दे जाती हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि मैप में ये कीज़ जहाँ जहाँ वो चीज़ यूज़ हुई होती है उसका मतलब क्या है. दिस लिस्ट इज़ कॉल्ड की, एंड विद द हेल्प ऑफ अ की अ मैप कैन ईजिली बी अंडरस्टूड. इसके ज़रिए आप लोग को, की के ज़रिए आप लोग को मैप समझना ईजी हो जाता है. जैसे आपके पास यहाँ पर एक मैप गिवन है, उन्होंने बताया है, टाइटल आपको दे दिया है पाकिस्तान नेशनल हाईवेज नेटवर्क. जहाँ से आपको पता चल गया है कि ये जो मैप है ये नेशनल हाईवे से रिलेटेड है. फिर आपको कीज़ दे दी गई हैं. कीज़ में देखें आप लोग को, उन्होंने कुछ सिंबल्स बना के दे दिए हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जहाँ जहाँ ये सिंबल यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ ये, इससे मतलब ये चीज़ है. जैसे आपको एक लाइन है जहाँ पर आपको एक हाफ सर्कल बना के दे दिया, इसका मतलब है मोटर वेज. जहाँ पर इस मैप के अंदर आपको इस तरह की लाइन नज़र आएगी, दैट मीन्स आपके वो, उसका मतलब है मोटर वेज. और फिर आपको यहाँ पर कुछ उन्होंने डायरेक्शंस बता दिए. उन्होंने टॉप पे क्या रखा है, नॉर्थ को रखा है, और इसी तरह बाकी है. ये कंपास स्केल है आपके पास, रोज है जिससे आपको पता चल जाता है डायरेक्शंस का. फिर आपके पास यहाँ पे स्केल दे दिया है जो आपको डिस्टेंस का बता रहा है. उसके बाद आप आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैप पे. मैप की अहमियत क्या है. मैप्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के अंदर मैप की बहुत अहमियत है. दे आर यूजफुल to us in many ways. A map is useful in traveling. जब आप किसी जगह पर सफ़र करते हैं तो आपको मैप बहुत आसानी होती है आपको मैप से उसको अंडरस्टैंड करना. It helps us in measuring the distance between two places. किसी भी दो जगह के दरमियानी फासले के लिए मैप बहुत ज़रूरी है. To understand roads and service at a new place. कहीं नई जगह जाते हैं और वहाँ के आपको रास्तों का नहीं पता, तो उस पर भी आपको मैप बहुत, वहाँ भी मैप की बहुत अहमियत है. वो आपको ईजिली आपको अंडरस्टैंड करने में आपकी मदद करता है. प्लेसेज लाइक हाउसेज, फार्म हाउसेज कैन बी शोन ऑन द मैप्स. और मैप्स के अंदर आपको हाउसेज, फार्म हाउसेज का भी पता चल जाता है. वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट माउंटेन्स, रिवर्स एंड वैलीज, पहाड़ों, दरियाओं और वादियों के बारे में भी आपको यहाँ से पता चलता है. काइंड्स ऑफ मैप, मैप्स आर इम्पॉर्टेंट टू लोकेट इम्पॉर्टेंट प्लेसेज, स्टडीज एंड कंपेयर डिफरेंट लोकेशन एंड ईवन प्रिडिक्ट वेदर. यहाँ से आप डिफरेंट प्लेसेस का भी आपको पता चल जाता है और आप चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं. और फिर आपको मौसम का जो पेशन गोई है वो भी आप मैप के थ्रू कर सकते हैं. मैप्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केल्स, मैप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्केल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप. दो स्केल है आपके पास, एक है स्मॉल, एक है लार्ज. सबसे पहले आप पढ़ोगे स्मॉल स्केल मैप. अ मैप दैट शोज लार्ज एरिया इस कार स्मॉल स्केल मैप. जहाँ जिस जगह पे आपको लार्ज एरिया शो कराया गया हो वो स्मॉल स्केल मैप होता है. इट लुक्स अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग बट एक्चुअली इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ये आपको बहुत कन्फ्यूज करता है लेकिन अगर आप इसको समझे तो आपके लिए बहुत आसान है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव अ मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 km,
जहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है उसका मतलब है उसका फासला कितना है आपके पास 500 किलोमीटर। ऑन दिस मैप पाकिस्तान विल बी हैविंग अ साइज ऑफ अबाउट 4 सेंटीमीटर। और इस मैप में पाकिस्तान का साइज है आपके पास 4 सेंटीमीटर, मतलब क्या है 4 सेंटीमीटर का 2200 किलोमीटर। दिस मीन्स वी विल जस्ट बी एबल टू रिकग्नाइज बिग सिटीज एंड मे बी फ्यू रिवर्स बट विल नॉट बी एबल टू सी वेयर मॉडल टाउन इन लाहौर इज एंड वेयर हैदराबाद इज पेशावर। जहाँ पे आपको सिर्फ सिटीज शहरों के बारे में बता दिया जाएगा लेकिन शहरों के अंदर जो बहुत छोटी हॉस्पिटल्स रेस्टोरेंट्स या वहाँ पे और मॉडल टाउन वगैरह ये आपको वहाँ पे गिवन नहीं होता, ये सिर्फ आपको बड़ी जगह के बारे में बताता है। दिस मीन्स स्मॉल स्केल मैप्स हेल्प इन रिकग्नाइजिंग द पोजीशन ऑफ अ कंट्री। इसके अंदर आपको सिर्फ मुल्क के बारे में कंट्री के बारे में कि वो पूरी दुनिया में वो कंट्री कहाँ पर पाया जाता है वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन या फिर उसकी सिटीज उसकी जो शहर है उसके बारे में पता चल जाएगा बट कैन नॉट गिव यू मोर डिटेल। लेकिन उसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको नहीं मिलेगी, जैसे कि उसकी हॉस्पिटल्स कहाँ पर हैं, पार्क्स कहाँ पर हैं, ज़्यादा डिटेल आपको सिटी या कंट्री से रिलेटेड नहीं मिलती।